हेलो दोस्तों, सभी को मेरी तरफ गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने सी टेट के बारे में, जो जो भी बच्चा सी टेट क्वालिफाई कर नहीं पाता है, जो भी मेरा दोस्त सी टेट क्वालिफाई कर नहीं पाता है, वो कैसे सी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। ये है भाई अरिहंत का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट कोई भी ले लो जिसमें वाक्या हो, इसके अंदर 100% वाक्यांश है। तो ये हिंदी में और बोथ लैंग्वेज में मिलता है, मुझे ये सबसे अच्छा लगा। सी टेट फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए भी है, फर्स्ट पेपर भी आता है, सेकंड पेपर भी आता है इसमें, तो वो आप कर सकते हो। डिपेंड करता है सी टेट कैसे क्वालिफाई करना। देखो, सी टेट पहले दिया है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी वो आसान थी, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश थी वो आसान थी, बट अब की बार इस पेपर में जो रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ साहब, जो भी सी टेट को भर रहा है वो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भरना। आपकी बार फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज हिंदी। तो आप जो है इसमें, जहाँ तक आइडिया है मेरा, 99% मैं श्योर हूँ इसमें जो है फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज हिंदी अब की बार जो है ईजी आने वाली है। क्योंकि मोस्टली जो है 90% बच्चे फर्स्ट हिंदी चूज करते हैं और सेकंड जो है इंग्लिश चूज करते हैं, सेकंड लैंग्वेज। बट अब की बार आप जो भी फॉर्म न्यू भर रहे हैं या अभी तक जिन्होंने भरानी है वो भरना चाहता है, तो वो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भरना। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आते हैं 30-30 के, 30-30% होता है, 30% हिंदी, 30% इंग्लिश, 30% मैथ और 30% हमारा फिजिकल, सॉरी साइकोलॉजी, 30% हमारे फिर इन्वायरमेंट से। ये हमारे आते हैं 30-30 के, मैथ हिंदी, मैथ इंग्लिश, साइको, और उसके बाद आ गया हमारा ईवीएस। मोस्टली ये कहाँ से कर सकते हो आप? देखो दोस्तों, कहते हैं कि सी टेट का पैटर्न कोई कोई पता नहीं क्या क्या पढ़ाता है। देखो इसमें तो जनरली है भाई, साइकोलॉजी में 20-25 के आसपास, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, कितनी भी पढ़ाई कर लो आप। इंग्लिश ईवीएस में भी यही स्कोर होता है, 25 मोर देन 30 इसके बीच में, जो बहुत ज़्यादा स्टडी करता है इसी के बारे में। इंग्लिश में भी यही रहता है दोस्तों, इंग्लिश में स्कोर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं हम, हिंदी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैथ में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पर ये स्कोर जो है इसमें 15-15 हमारी पेडालोजी होती है, 15-15 मार्क्स की, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 75 मार्क्स की पेडालोजी होती है इसमें। पेडालोजी भी बोलते हैं उसको, पेडालोजी भी बोलते हैं 75 मार्क्स की, हर एक में 15-15 मार्क्स मिलते हैं। तो ये हम कैसे इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है, मैं आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में, हर एक चैप्टर का ट्रिक दिखाऊंगा। मेरी वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये प्रैक्टिस सेट है, देखो दोस्तों, जो पुराने हैं काफ़ी 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका सी टेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है और वो बुक से बुक पढ़ रहे हैं, आगे से ये बुक पढ़ रहे हैं, ये बुक पढ़ लें, ये बुक पढ़ लें। देखो दोस्तों, बुक आपने बहुत पढ़ ली, जरूरत है प्रैक्टिस की। अब आप उसको प्रैक्टिस में लेकर आइए, क्योंकि हमारा 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2:30 का। और क्या होता है, 2:30 का पेपर होता है, हमारा माइंड भी साइंटिफिक कहते हैं कि 45 मिनट्स जो है काम करता है, उसके बाद हमें जो है 10 मिनट का रेस्ट लेना होता है। तो ये हमें तो कंटिन्यू लगा रहता है, और हमारी हिंदी और इंग्लिश ये हम लास्ट में करने की सोचते हैं, या जिसका मैथ कमज़ोर है वो लास्ट में, जो भी सब्जेक्ट जिसका कमज़ोर है वो लास्ट में करने की सोचता है उसको। और लास्ट में जो सब्जेक्ट ऑलरेडी कमज़ोर है और उसमें लास्ट में करते हैं हम उस सब्जेक्ट को, तो उसमें हम मार्क्स जो है हमारा, एक तो माइंड थक जाता है और ऊपर से वो सब्जेक्ट हमारा वीक है, तो उसमें हमारे यही रह जाते हैं 10 मार्क्स, 5 to 10 के बीच में, या 11 to 15 के बीच में, ये तो 11 to 15 कुछ कुछ बच्चों के जाते हैं। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम जो है प्रैक्टिस सेट डालो दोस्तों, अपना फ़ोन को ऑफ कर दो, कुछ मत करो, 2.5 घंटे के लिए एक प्रैक्टिस सेट करो और उसको कंटिन्यू करो।
और उसमें जो है कुछ बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन किया पीछे एक क्वेश्चन चेक कर लिया, एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन फिर वो चेक कर लिया, गलत है या ठीक है। दोस्तों ये भी तरीका गलत है। आप अच्छे तरीके से एक प्रैक्टिस सेट करो, ओएमआर शीट साथ के साथ दी हुई है इसमें अंत में, उसको साथ के साथ भरो और आप इसको 100% जो है क्वालिफाई कर सकते हो। क्वालिफाई ही नहीं कर सकते हो आप इसको, बहुत अच्छे तरीके से इसमें मार्क्स भी ला सकते हो। मैं कहूँगा कि आप अरियंत का प्रैक्टिस सेट करो, कोई और भी प्रैक्टिस सेट करो, प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया और मैं आपको बाकायदा हर एक इंग्लिश का हो गया इसमें, मैं देखो बेटा ढाई दोस्तों मेरे 2.5 घंटे का तो मैं पूरे का पूरा नहीं करवा पाऊँगा, बट मैं आपको एक एक पोर्शन जैसे गणित का हो गया, इंग्लिश का हो गया, मैं धीरे धीरे साइकोलॉजी का हो गया, एक एक पोर्शन मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊँ, क्योंकि मैंने इसमें देखा वो देखो मैंने सोल्व की हुई है, ये हमारी हिंदी सोल्व की है मैंने इसमें, और इसमें इंग्लिश भी सोल्व की है, ये यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन है ये सोल्व किए हैं, जो मार्क्स है इनमें जो है ये मैंने गोरदारा जो लगाया हुआ है इसमें, ये क्योंकि इसमें आगे की ओर है, आगे और चीज़ें इसमें जैसे कि ऑडिटरी है, ठीक है, विजुअल है, ये कैसे है इनको, इसलिए क्योंकि इसको आगे करना है, जैसे इस क्वेश्चन में है ऑडिटरी हो गया, विजुअल हो गया, हाँ ठीक है, इसमें बहुत छोटे क्वेश्चन है दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो इसको जूम करके हम दिखा देंगे फिर बाद में। तो ये तरीके बताऊंगा कैसे किस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है, पैडागोगी कैसे की जा सकती है, हम इसको राइट कैसे कर सकते हैं। देखो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन है ना, तो कोई आपके कहीं भी ढूंढने से मिलेंगे, ये आएंगे प्रैक्टिस करने से, जूम करने से, सोचने से, साथ के साथ इसमें सोचना भी होता है, इसलिए हमारा माइंड और थक जाता है। तो हमने इसमें प्रैक्टिस सेट करने से ही हमें पता चलेगा कि हम इसके अंदर जो कितने अचीव कर रहे हैं। जो बच्चा इसमें प्रैक्टिस सेट में पहले 90 90 कर रहा है, या फिर वो जो यहाँ प्रैक्टिस सेट में 120 कर रहा है मार्क्स, 120 125 के बीच में कर रहा है, वो सोचो कि हम जो है 100 के आसपास लेके आ सकते हैं वहाँ पर। तो ये ज़रूरी है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी है, विदाउट प्रैक्टिस सेट आप सी टेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप ये बुके बुक पढ़ रहे हो, बुके बुक पढ़ रहे हो तो नहीं हो सकता। यदि आपका किसी का तुक्का लग जाता है, जो जिसके 83 है 82 है, भाई एक दो मार्क्स हमने कुछ 80 तक हमने कर लिए और एक दो में तुक्का लग गया, तो वो देखो दोस्तों तुक्के वाली बात है कुछ होगी, पर इसमें जहाँ तक है आप प्रैक्टिस सेट करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट करोगे तो आप जो 200 नंबर का आगे पेपर दोगे उसमें भी ये आपका बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्पफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगी हमारी साइकोलॉजी, फिर आगे तो उसकी भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इसमें, ठीक है, अपने चैनल में सुशील सर के नाम से चैनल है दोस्तों, सर्च करोगे सक्सेस की फ़ोटो लगी हुई है, तो आप इसमें जो है लिंक भी शेयर कर दूंगा मैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसे लगी लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ठीक है, और मुझे कमेंट में बताना क्या क्या गलती रहेगी, मैं आगे अगली वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। ये दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लो, मैं ये नहीं कहता अरियंत है पब्लिसिटी कर जाओ अरियंत के, नहीं कोई भी ले लो प्रैक्टिस सेट, बट अच्छे से करो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। ओके थैंक यू दोस्तों।